देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती। लता मंगेशकर के सभी गानों ने आपके दिल को छुआ होगा। उनके गाने ऐसे होते हैं कि आप बार बार लगातार सुन सकते हैं। हम आपको आज ऐसी ही एक आवाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि उन्हीं का गाना गाती हुई नजर आ रही है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया जा रहा है, तो आप भी देखिए ये वीडियो। रातों रात वायरल हुई इस महिला ने पश्चिम बंगाल के एक स्टेशन पर गाना गाया था। आपको बता दें, बंगाल के राणाघाट स्टेशन पर काम करने वाली इस महिला ने लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है मोजो की रवानी है गाया। उसके बाद तो वो इंटरनेट पर रातों रात सेलिब्रिटी बन गई। इस वायरल वीडियो ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी है। इस महिला के टैलेंट को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि उसे अब रियलिटी शो से ऑफर आना शुरू हो चुके हैं। साथ ही इस महिला का पार्लर में मेकओवर भी कराया गया, जिसके बाद उनका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है। इस लुक के कारण फिर से ये महिला सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस महिला के गाने को एक शख्स ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया और फेसबुक पर शेयर कर दिया। ये महिला है रानू मंडल। रानू मंडल का ये वीडियो वायरल होने के बाद उनको लगातार गाना गाने की ऑफर मिल रहे हैं। रानू को कोलकाता, मुंबई, केरल और बांग्लादेश से और बॉर्डर से कई रानू को कोलकाता, मुंबई, केरल और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में परफॉर्म करने की ऑफर मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, रानू को अपनी खुद की म्यूज़िक एल्बम रिकॉर्ड करने का भी ऑफर मिला है। आपको बता दें, रानू को मुंबई के एक रियलिटी शो के लिए भी बुलाया गया है और वो रानू के पूरे ट्रैवल का खर्च भी उठाएंगे। हालांकि उन्हें यात्रा की परमिशन के लिए दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त आईडी पेपर्स और दस्तावेज़ नहीं हैं। बताया जा रहा है कि उनके पति की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर लोगों के सामने गाना गाकर पैसे कमाती थी। उनके वायरल हुए वीडियो पर अब तक 3 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं और उस वीडियो को कई हज़ार लोगों ने पसंद किया है और ये वीडियो कई हज़ार बार शेयर भी किया जा चुका है। रानू मंडल ने बताया कि उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा कि उनकी ज़िंदगी इस कदर बदल गई है और फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। Channel and press the bell icon for more updates.